दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर आपको किसी तरह का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन कोई कस्टमर को मिल रहा है और वो आपके पास आता है कि मुझे जीवन प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो मतलब उसका केवाईसी करना होगा, तो जिसको पेंशन मिला उसको किस तरह केवाईसी कर पाएंगे? जिस तरह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को जो पेंशन मिलती है उसका केवाईसी करके सरकार को बताना होगा कि मैं जीवित हूँ, जिसको जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप जीवन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बना के कस्टमर को दे सकते हैं। तो इससे पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया था जिसके पास सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब है, वो उसका किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे अगर कोई विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह मिल रहा है तो उसका किस तरह केवाईसी करेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जीवन प्रमाण .gov.in। इस वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन की आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी देना होगा, ठीक है। भीली अपना एक जो दुकानदार होंगे वो अपना एक ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पे इस कैप्चर को इंटर करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके इस ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज दिया गया, इस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे जो भी आपके ईमेल आईडी पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओटीपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस ओटीपी को इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर से अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे। ईमेल आईडी ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड विंडो ओएस है तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसका कुछ इस तरह का यानी कि डाउनलोड का लिंक वो आपको ईमेल आईडी पे भेज देगा। आप चलिए ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं कि मेल आ चुका है जिसमें यह डाउनलोड लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करके हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना होगा। तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरह डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। जो इंस्टॉल करेंगे ओपन करेंगे, ओपन करने से पहले आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओपन करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह यस मांगेगा तो यहाँ पे यस करेंगे। तो जैसे आप यस करेंगे तो कुछ इस तरह का सेंटर पेज देखने को मिलेगा, तो इस तरह का दिखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेंशनर का मांग रहा है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे सब तो उसके बाद सबसे पहले आपको अपना खुद का करना होगा, यानी जो करेगा जो भीएलई होगा वो उसको खुद का केवाईसी करना होगा, मतलब उसको फिंगर लग सिर्फ देना होगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेनेट ओटीपी क्लिक करके फिंगर लगा के उनका खुद का एक बार रजिस्टर कर लेना होगा भीएलई का। जब रजिस्टर करेंगे उसके बाद ओपन करेंगे तब आपको इस तरह का पेंशनर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी पेंशनर का आप केवाईसी करना चाहते हो उसका आधार नंबर दे सकते हैं या उनका वर्चुअल आईडी कार्ड दे सकते हैं। तो आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर देंगे, ये दोनों जरूरी है देना। अगर ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ओके बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंशनर का नाम देना होगा, पेंशनर का जो फुल नेम होगा यहाँ पे फुल नेम देंगे, जो भी उनका फुल नेम होगा। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ पेंशन यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पेंशनर में अगर उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अगर किसी तरह का इस तरह का पेंशन मिल रहा है तो उनको फैमिली देना। अगर वो प्राइवेट किसी नौकरी में तो ईपीएस देना होगा, अगर वो सरकारी कोई नौकरी में तो सर्विस को देना होगा। तो यहाँ पे फैमिली को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अथोराइज में आपको यहाँ पे अगर वृद्धा पेंशन वगैरह आपको मिल रहा है, विधवा पेंशन, तो आपको अपने गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार गवर्नमेंट को सिलेक्ट करूँगा, अगर आप झारखंड से झारखंड गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो मैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके एजेंसी पे क्लिक करके यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके एजेंसी में आपको क्या करना है, बैंक को, जिस बैंक में आपको ये आता है पेंशन उस बैंक को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पीपीओ नंबर देना होगा। जब भी उनका ये पेंशन जारी होता है तो आपको उनको एक कागज़ मिलता है जो कि सुरक्षा पेंशन मंजूरी होता है, वो इस तरह के कागज़ मिलता है, उस पर लेखा संख्या रहता है। अगर कोई भी उसके पास कागज़ है, देख लीजिएगा कस्टमर के पास, उस पर उसका लेखा संख्या होगा, ठीक है। उस लेखा संख्या को यहाँ पे देंगे, जैसे कि लेखा संख्या 20 हो गया, 20 फ्लैश, उसका जो भी उस, तो आपको पीपीओ नंबर कुछ इस तरह का देना होगा। उसके बाद जिस अकाउंट में उसका पेंशन आता है वो अकाउंट नंबर देंगे, दोनों में आपको 9-9 करना है। किसी भी यस करेंगे तो आपका पेंशन अटक सकता है। ये सारी जानकारी देने के बाद आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद कस्टमर का फिंगर स्कैन करने के लिए फिंगर स्कैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके लैपटॉप के साथ जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करके उस पर लाइट जलेगी, फिंगर लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फिंगर लगाएंगे, फिंगर कैप्चर सक्सेस हो चुका है।
उसके बाद देख सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डाउन हो लाइव हो चुका है, मतलब कि मेरा केवाईसी हो चुका है। उसके बाद प्रिंट करके ये कस्टमर को दे सकते हैं। अगर इसको चाहे फिर कभी डाउनलोड करने के लिए तो ये आप जो प्रमाण आईडी इसको कॉपी कर लेंगे। अगर उसको प्रिंट करके देना होगा, कभी फिर बाद में आपको डाउनलोड करना होगा तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, jeevanpraman.gov.in/ppo-user/login। तो इस वेबसाइट पर आना होगा, इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। यहाँ पे प्रमाण आईडी देंगे जो आपको मिला होगा, ठीक है, प्रमाण आईडी देंगे। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। कैप्चर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके इस लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लाइफ सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का लाइफ सर्टिफिकेट है, यही लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, यही प्रिंट करके कस्टमर को आप दे सकते हैं।